बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल स्टडी टुगेदर विद विकास में। और फ्रेंड जैसा कि आपने देखा कि हम पहले अपना सेशन स्टार्ट कर चुके हैं काफ़ी दिन पहले, और आज हम सेम सेशन कंटिन्यू करेंगे। कि आपने देखा कि हम जैसे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस डेली लेकर आते हैं आपके सामने, तो आज भी हम कुछ नए क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आए हैं। चलिए सेशन स्टार्ट करने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटेलिक वायर इज, जो हमारी रेजिस्टेंस होती है मेटेलिक वायर की वो किसके, ये देखिए इन चारों ऑप्शन में से किसके लिए मैच करेगी। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ। ऑप्शन सी में दे रखा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ऑप्शन डी दे रखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ। तो इन चारों में से आपको बताना है कि हमारा सही आंसर क्या होगा। चलिए बताइए, देखिए आपने पहले एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा आर इक्वल टू, ये देखिए आपने पहले फॉर्मूला पहले बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा, बहुत ही इजी फॉर्मूला है। चलिए मैं दोबारा लिखता हूँ, देखिए सॉरी ये थोड़ा सा पेन का, और हाँ यहाँ देखिए R इक्वल टू रो एल वाई ए, रो एल वाई ए मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसमें आपको यहाँ पर आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि हमारे किस ऑप्शन में R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन ए जो दे रखा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो फ्रेंड्स ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। काइनेटिक एनर्जी विल बिकम डैश व्हेन द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड, काइनेटिक एनर्जी पर हमारा क्या असर पड़ेगा अगर मोमेंटम को हम डबल कर देते हैं। तो आपको ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इट बिकम्स टू टाइम्स, फोर टाइम्स, अनचेंज या फिर हाफ। इन चारों में से आपको बताना है कि काइनेटिक एनर्जी पर क्या असर पड़ेगा, बताइए। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, फोर टाइम्स। ऑप्शन बी फोर टाइम्स इज द राइट आंसर। तो चलिए मैं यहाँ पर मार्क करता हूँ ऑप्शन बी फोर टाइम्स, ओके दिस इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। द स्टेट ट्री ऑफ हरियाणा, आपको हरियाणा का स्टेट ट्री का नाम बताना है, मैंगो, पीपल, गुआवा या फिर नीम। इन चारों में से आपको बताना है कि हमारे हरियाणा का स्टेट ट्री में से कौन सा है, बताइए। तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपने देखा कि रेलवे के कुछ फिक्स पैटर्न होता है, बट स्टैटिक जीके में से वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको इस चीज़ का आंसर करना था, बहुत ही कम स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन के आंसर कर पाते हैं। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी पीपल, ऑप्शन बी पीपल इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेस अ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग, इन चारों में से नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग कौन शो करता है, क्लोरीन मॉलिक्यूल, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर वाटर मॉलिक्यूल, या आखिरी ऑप्शन है अमोनियम अमोनिया मॉलिक्यूल। इन चारों में से आपको बताएं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग कौन शो करता है। तो हमारा केमिस्ट्री का थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसे हम टफ कह सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स केमिस्ट्री की जो रिएक्शंस होती हैं उनसे काफ़ी दूर भागते हैं। तो बताइए इसमें हमारा कौन सा आंसर सही होगा। फ्रेंड जिसमें ऑप्शन ए दे रखा है क्लोरीन मॉलिक्यूल इज द राइट आंसर। तो आप अपने आप से कॉपी लेकर बैठिए और फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करिए, और थोड़ा सा एक्यूरेसी के साथ, है ना। तो आपको पता चलेगा कि आप एग्ज़ाम के लिए कितना
रेडी हैं या फिर कितने प्रिपेयर हैं। आपने देखा भी होगा अभी कि आरआरबी आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क और पीओ की वैकेंसी आ चुकी है, तो अब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एग्जाम स्टार्ट करवाएगी, इसलिए आपको अब तैयार रहना एग्जाम के लिए। ओके चलिए बढ़ते हैं अपने आगे। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ राइजोम। आपको इन चारों में से राइजोम का एग्जाम्पल बताना है, जिंजर, सुगर केन, ओनियन या फिर पटेटो। इन चारों में से राइजोम का कौन सा सही होगा एग्जाम्पल बताइए, जिंजर, सुगर केन, ओनियन या फिर पटेटो। और ऑप्शन ए जो हमारा दे रखा है जिंजर इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपने देखा होगा इजी रहते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ाई करके जाते हैं तो डेफिनेटली आप आंसर कर पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल इज सलमान रशीद वॉज रिलीज्ड इन 2017 में इनमें से कौन सी नॉवल मिस्टर सलमान रशीद द्वारा पब्लिश की गई थी या फिर रिलीज की गई थी, आपको बताना है। मिडनाइट चिल्ड्रन, द गोल्डन हाउस, द सेलॉट या फिर द सैटेनिक वर्स, इनमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सी नॉवल है जो हमारे सलमान रशीदी द्वारा ये रिलीज की गई थी इन द ईयर 2017। ये हमारा बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आंसर करना है आपको इसे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, आप देख सकते हैं यहाँ पर द गोल्डन हाउस इज द राइट आंसर। इसमें क्या पूछा है, प्लांट्स इन द डैश ग्रुप आर कॉमनली कॉल्ड एल्गाए। इनमें से हमारे कौन से ग्रुप है जो एल्गाए कहलाता है, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा या जिम्नोस्पर्म या फिर टेरिडोफाइटा। इन चारों में से आपको बताना है कि हमारी कौन सी जो है जो एल्गाए या फिर एल्गाए ग्रुप को बिलोंग करती है, आपको बताना है। आई होप काफ़ी स्टूडेंट्स इसका सही आंसर करेंगे। तो चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ, जो ऑप्शन बी दे रखा है थैलोफाइटा इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी थैलोफाइटा ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। द हीट प्रोड्यूस बाय करंट इन वायर ड्यूरिंग टाइम इज डिटरमाइंड बाय, हमारे जो वायर्स में हीट प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ करंट, ओके तो उसका फॉर्मूला क्या है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर या फिर H इक्वल टू आई आर टी या H इक्वल टू आई स्क्वायर टी या फिर आपको ऑप्शन डी दे रखा है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आपको इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ, जो ऑप्शन डी दे रखा है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये हमारे बहुत ही बेसिक से फॉर्मूले हैं, तो आपको इनको ये सब तो आपको याद ही होगा, अगर आप डेली बेसिस पर आप क्लासेस देख रहे होंगे या फिर आपने पेड कोर्स ले रखा होगा तो आप इतने से छोटे क्वेश्चन के लिए ऑलरेडी तैयार होंगे। आई होप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसका सही आंसर करेंगे। तो चलिए इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। वॉट इज द जंक्शन बिटवीन एन एक्सॉन एंडिंग विद द डेंड्राइट ऑफ अनदर नर्व सेल कॉल्ड। इनमें से हमारे जो एक्सॉन एंड्स पर डेंड्राइट्स कहते हैं एंड डेंड्राइट से जुड़े होते हैं उनका नाम क्या है बताइए, सिनेप्स, न्यूरॉन, सिनेप्टिक क्लेफ्ट या फिर नोड ऑफ रेनवा। इनमें से आपको बताने के हमारा सही आंसर क्या है, जिस पॉइंट पर एक्सॉन हमारे डेंड्राइट से जुड़े होते हैं उस जंक्शन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, तो इनमें से आपको बताना है। ये हमारा बायो का क्वेश्चन है और चलिए आंसर करिए इसका। चलिए इसका जो आंसर दे रखा है ऑप्शन ए स्नैप्स, स्नैप्स इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स आपने देखा होगा भी आरआरबी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जो हमारा कोरेंडम नंबर 6 जो हमारा भी आर्टिकल एक सर्कुलर आया था आरआरबी द्वारा जारी किया गया था। तो फ्रेंड्स अब आप देखेंगे कि आप आरआरबी बहुत जल्दी से जल्दी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा, तो आपको एकदम तैयारी स्टार्टिंग से ही रखना है, ठीक है, और आपको डेली बेसिस पर टेस्ट भी देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अन्ना कैंटीन, हमारी कौन सी सरकार है या फिर किस स्टेट की गवर्नमेंट ने अन्ना कैंटीन
ये हमारी जो लॉन्च की थी, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला या फिर आंध्र प्रदेश, इनमें से आपको बताना है अन्ना कैंटीन किसने लॉन्च किया था। देखिए ये हमारा थोड़ा साउथ साइड, ये अन्ना ये सब चीज़ें थोड़ा, ये वर्ड्स साउथ साइड किए जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जैसे महाराष्ट्र है तो ये थोड़ा सा ऑप्शन अपने आप ही एलिमिनेट हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा ऑप्शन डी दे रखा है, आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। चलिए इसके साथ हम बढ़ते हैं आगे। देयर आर डैश बायोग्राफिकल रीजन इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में कितने बायोग्राफिकल बायोजोग्राफिकल रीजन हैं आपको बताना है, 6, 3, 4 या फिर 8। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि हमारे वर्ल्ड के अंदर टोटल बायोजोग्राफिकल कितने रीजन हैं। और फ्रेंड्स अगर कोई भी स्टूडेंट्स इन 20 क्वेश्चंस में से अगर बिलो 10 जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और अगर आप 10 प्लस रहते हैं तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा ठीक हैं, और प्लस 15 में आप कह सकते हैं कि हाँ यार आपकी तैयारी है। तो आप अब देख लीजिए आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, तो आपको अपने मार्क्स अपने आप से कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में भी बताना है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए दे रखा है 6, तो हमारे वर्ल्ड में टोटल नंबर ऑफ 6 बायोजोग्राफिकल रीजंस हैं, तो ऑप्शन ए दे रखा है 6, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते इसी के साथ हम आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एंशियंट लिटरेचर विच मेंशन अबाउट इंडियन म्यूजिक एंड डांस, इनमें से हमारी कौन सी जो एंशियंट लिटरेचर है जो कि म्यूजिक एंड डांस के बारे में बताती है, तो आपको इनमें से बताना है, नृत्यश्रेष्ठ या भगवद गीता, महाभारत या फिर रामायण, इनमें से आपको बताना है कि हमारे कौन सी जो एंशियंट लिटरेचर है जो कि म्यूजिक एंड डांस के बारे में एलेबोरेट करती है या फिर थोड़ा सा मेंशन किया गया है उसमें, तो आपको बताना है इनमें से हमारा कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन ए दे रखा है नृत्य शास्त्र, ये बिल्कुल हमारा नृत्य शास्त्र, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यहाँ पर आप देख सकते हैं नृत्य शास्त्र ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैकेनिकल वेव्स, इनमें से हमारी कौन सी मैकेनिकल वेव्स हैं, एक्सरे, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव या फिर साउंड वेव्स, इनमें से आपको बताना है कि हमारे मैकेनिकल वेव्स कौन सी कहलाती है। और ये हमारा फिजिक्स का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आपको आंसर करना है बताइए। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा ऑप्शन डी दे रखा है साउंड वेव्स इज द राइट आंसर। ओके आपको ऐसे क्वेश्चंस को नोट डाउन करना है सेपरेटली और इनको स्टार मार्क करना है, ये क्वेश्चंस आगे भी रिपीट हो सकते हैं, तो आपको यहाँ पर स्टार मार्क करके भी रखना है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने 14th क्वेश्चन पर, इन द प्रोसेस ऑफ गैल्वनाइजेशन विच मेटल इज कोटेड विथ आयरन, हमारे जो गैल्वनाइजेशन का प्रोसेस होता है तो इसमें आयरन की किस मेटल से कोटिंग की जाती है, लेड, निकेल, क्रोमियम या फिर जिंक, आपको बताना है कि हमारे किस मेटल की कोटिंग की जाती है आयरन के ऊपर इन द प्रोसेस ऑफ गैल्वनाइजेशन। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स ये जो प्रोसेस होती है इसमें जो हमारा मेटल यूज होता है वो है ऑप्शन डी जिंक, जिंक की कोटिंग हमारी की जाती है इन द प्रोसेस ऑफ गैल्वनाइजेशन। चले बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज सॉफ्ट एज वैक्स एंड कैन बी कट विद द नाइफ, हमारा इनमें से कौन सा मेटल है जो कि जस्ट लाइक वैक्स, वैक्स मीन्स मोमबत्ती की तरह होता है और इसे मेटल की नाइफ से काट भी सकते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम या फिर सोडियम, इन चारों में से आपको बताना है कि हमारा कौन सा मेटल है ये। तो आपने क्वेश्चन पहले पढ़ रखा होगा, केमिस्ट्री का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है जिसमें हमारा ऑप्शन डी दे रखा है सोडियम इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे हम, विच अमंग द फॉलोइंग वॉन द वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप इन द ईयर 2017 में
वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप किसने जीती थी? आपको चार ऑप्शन भी दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, जो हमारे बैडमिंटन या फिर बिलियर्ड्स के जो हमारे एस प्लेयर हैं वो है पंकज आडवाणी जी। तो ऑप्शन सी में दे रखा है, पंकज आडवाणी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि हमारे क्वेश्चंस स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी आते हैं, बुक्स एंड ऑथर से भी आते हैं, या फिर इंडिया की रैंकिंग के ऊपर, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से ही गो थ्रू कर जाना है और ऐसे क्वेश्चंस टाइम टू टाइम आपको रिवाइज भी करना है, क्योंकि रेलवे के कुछ ना कुछ फेवरेट टॉपिक है जिनमें से रेलवे हमेशा क्वेश्चन पूछता ही है। व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विथ हाइड्रोजन, कॉपर मेटल एंड वाटर आर फॉर्म्ड, व्हाट हैपेंस टू द हाइड्रोजन इन दिस रिएक्शन। जब हम कॉपर ऑक्साइड को हीट करते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो इसमें से कॉपर मेटल एंड वाटर बनता है, तो इसमें हाइड्रोजन का क्या होता है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, या फिर रिडक्शन ऑक्सीडेशन, या फिर डिकम्पोजिशन। इन चारों में से आपको बताना है कि हमारा जो हाइड्रोजन के साथ इनमें से कौन सा प्रोसेस होता है। चलो बताइए इसका आंसर, कौन सा आंसर सही होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा ऑप्शन सी दे रखा है, ऑक्सीडेशन इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी, ऑक्सीडेशन। तो यहां पर हमारा ऑक्सीडेशन होता है। चलिए कि इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ फोर्स। ये देखिए बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है, फोर्स की हमारी यूनिट पूछी गई है, तो इसमें आपको बताना है कि हमारी फोर्स की क्या यूनिट होती है। तो अपने ऑप्शन डी में देखकर ही टिक मार दिया होगा, न्यूटन। फोर्स की ऐसा यूनिट होती है हमारी न्यूटन। तो ऑप्शन डी दे रखा है, न्यूटन इज द राइट आंसर। इन नेगेटिव एक्सेलरेशन द बॉडी, द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन। तो इसमें बताइए हमारी वेलोसिटी पर क्या असर पड़ेगा, वेलोसिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, या फिर वेलोसिटी जीरो, या वेलोसिटी डिक्रीजेस, या फिर इंक्रीज। इन चारों में से आपको बताना है कि वेलोसिटी पर क्या असर पड़ता है इन द केस ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन। फ्रेंड देखिए, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन के केस में हमारी वेलोसिटी कम होती है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सी दे रखा है, डिक्रीज, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अब हमसे आखिरी क्वेश्चन क्या पूछा है, 1 meter इक्वल टू हाउ मैनी नैनोमीटर। मीटर और नैनोमीटर के बीच में रिलेशन आपको बताना है, तो बताइए। फ्रेंड्स, नैनो मीन्स होता है 9, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है ये देखिए ऑप्शंस में, यहाँ पर ये दे रखा है, ये हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा, और इसमें दे रखा है 10^9। इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, दोबारा लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ये। हाँ, इसमें हमारा मीटर और नैनोमीटर के बीच में रिलेशन पूछा है, तो आपको यहाँ बताना है। देखिए, ये हमारा ऑप्शन डी दे रखा है, 10^9, 10^9, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन हमने कंप्लीट किया, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे। आपको ये क्वेश्चंस को रिवाइज भी करना है, और जो क्वेश्चन आपको लगता है इंपॉर्टेंट है तो आपको कॉपी में सेपरेटली नोट डाउन भी करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।